सतिकार, मैं हाँ डॉक्टर जिंदर सिंह। जिवें कि तुहानू पता ही है कि रूस ते यूक्रेन दे विच लड़ाई छिड़ चुकी है। उधर रूसी राष्ट्रपति वलादिमीर पुतिन ने यूक्रेन दे विच विशेष फौजी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिंदिया दूसरे देशों नूं भी खास तौर पर अमरीका दे नाटो नूं चेतावनी दी है कि रूसी कार्रवाई दे विच किसी की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रूस ने स्पष्ट किया है कि जेकर किसी ने अजिहा करने की कोशिश की तो उसके नतीजे उसनूं भुगतने पैणगे। इस रूसी फौजा ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने यूक्रेन की हवाई रक्षा प्रणाली से हवाई अड्डे तबाह कर दिए हैं। दूसरे पास यूक्रेन ने कहा है कि उसदिया फौजा ने रूस के 50 फौजी मार दिए हैं, 6 लड़ाकू जहाज से 4 टैंक तबाह किए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति के सलाहकार ने कहा है कि लड़ाई च उन्होंने 40 जवान मारे गए हैं, दर्जना जख्मी हुए हैं। पुतिन ने कहा है कि यह कार्रवाई नागरिकों की सुरक्षा लिए जरूरी सी। इसे तरह यूक्रेन के कई इलाकों में धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उधर टीवी संबोधन के पुतिन ने कहा है कि नाटो आप उदरिया करके रूसी सुरक्षा को टिच समझ रहा है। यूक्रेन वालों रूस को खतरे करके ही कार्रवाई की गई है, उसका मकसद यूक्रेन से कब्जा करना नहीं है। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि रूसी हमला पहला तो ही तय सी। वीरवार को रूस के विरुद्ध होर पाबंदियों के ऐलान भी किए जा सकते हैं। रूस वालों पूरी ताकत नाल हमले के नतीजे वजों जान ते माल का काफी नुकसान हो सकता है अते नतीजे वजों यूक्रेन की चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट होने की भी संभावना है। इस दे संघर्ष के नतीजे वजों रूस से विश्वव्यापी पाबंदियां भी लग सकती हैं, जिस नाल यूरोप नूं ऊर्जा समगरी की सप्लाई से असर पै सकता है अते विश्व वित्तीय बाजार से भी गंभीर प्रभाव पैण के आसार हैं। तुम दस दिए कि इस वेले सारे दुनिया दीआं नज़रां रूस ते यूक्रेन दे विच छिड़े हुए इस युद्ध ते लगियां होईआं हन।